अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको मुफ्त स्टाइल में गले की कटिंग बताऊँगी। सबसे पहले हम गोल गले की कटिंग करेंगे। तो ये मेरे पास डबल सफ़ा है पेज, ये देखें, इसको मैंने दरमियान से यू फोल्ड कर लिए। हम गले की चौड़ाई जो रखते हैं आम रूटीन में 6 इंच भी रखते हैं, 6.5 भी, 7 इंच भी। कुछ लोग ज़्यादा खुला पहनना पसंद करते हैं, कुछ लोग छोटा पहनना पसंद करते हैं। जितनी यानी कि कोई पहनना चाहता है आप उसी हिसाब से इसकी कटिंग आराम से कर सकेंगे। आज मैं आपको जो एक बिल्कुल नॉर्मल सा साइज़ होता है उसकी कटिंग बताऊंगी, जिसकी 6.5 चौड़ाई होती है और ये मैं 3.25 रखूँगी और 6 इंच इसकी लेंथ रखूँगी। हमारा सिलाई भी इसमें से आएगी, तो ये मैंने सीधी लाइन इस तरह से, फिर इस तरह से। अब मैं इसको गुलाई करूँगी। यहाँ से आप 1 इंच वो निशान लगा लें और इस तरह से भी आप इसकी शेप बना सकते हैं। इस तरह से आपको इजी लगे तो आप इस तरह से बना लें, नहीं तो ये देखें कटोरी, कोई सी भी गोल लेके कटोरी आप ये देखें, यहाँ से बहुत अच्छी शेप बनेगी आपकी। आपने यहाँ से इतनी परफेक्ट शेप बनेगी कि आप सोच नहीं सकते। आपने यहाँ से 3 इंच सीधे, उसके बाद शेप बनाना शुरू करेंगे। आप यहाँ से ही इस तरह से देखें कि आप देख रहे हैं, आप हर साइज का गला इतना आराम से कटिंग कर लेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए अब यहाँ की बाहर की पट्टी जो है 1.25 इंच यूं साथ साथ रखते हुए निशान लगाते जाएं और कटिंग करते जाएं। ज़्यादा चौड़ी पट्टी जो है वो अच्छी नहीं लगती, 1.25 इंच पट्टी रख लें या 1 इंच रख लें, 1 इंच ज़्यादा लगती है, 1.25 इंच बिल्कुल परफेक्ट होती है। हमारा कितना नीट गला, बिल्कुल कोई हमें परेशानी नहीं हुई। आप इसी हिसाब से आप छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा गला कटिंग कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा गोल गला। अब मैं आपको वी गले की कटिंग बताऊँगी। वी गला यहाँ से थोड़ा खुला होता है क्योंकि ये सीधा सीधा सा होता है, तो यहाँ से तंग गला अच्छा नहीं रहता। यहाँ से हम रखेंगे इसको 3.5, लेंथ रखेंगे 7.5, ये देखें, और आप इस तरह से कटिंग करना चाहें इस तरह से कर लें। यहाँ से हम इसको 1.25 इंच आगे करेंगे ये, और फिर यहाँ से इसकी शेप बनाना शुरू हो जाएंगे, जिस तरह से हम एक पत्ती की शेप बनाते हैं। क्योंकि ये सीधी भी जो पहले चलती थी अब नहीं चलती, अब ये पहनना पसंद नहीं करते। ये देखिए आप इस तरह से बनाना चाहें, जिस तरह से आपको इजी लगे आप इस तरह से बना लें। आपको इस तरह से इजी लगे आप इस तरह से बना लें। अगर आप आयरन की मदद से इसकी शेप देना चाहते हैं, हर मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि हर जगह पे एक ही शेप की आयरन नहीं होती, तो फिर आपको कटिंग में मसला होगा। यहाँ से हमने चौड़ाई की निशान लगा लिया, चौड़ाई का, और यहाँ लेंथ का निशान लगा लिया है। इस तरह से रखते हुए आयरन को आप वही शेप बनेगी बिल्कुल। ये देखिए आप इस तरह से कटिंग कर सकते हैं।
सेम वही शेप है और इसका फिर वही के पौना इंच हम बाहर से रखेंगे। अगर आप आयरन की मदद से कटिंग करना चाहें तो हमें ये सिर्फ चौड़ाई और लंबाई का निशान लगाना होगा। तो आयरन साथ रखते हुए इस तरह आप इसको शेप दे सकते हैं। बहुत इजी मेथड है, बहुत ही इजी, इतना इजी तरीके से आप बच्चे को भी समझाएं तो मेरा ख्याल है वो भी कटिंग कर सकता है। इससे ज़्यादा इजी मेथड हो ही नहीं सकता। आप साइज़ अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है जी, ये हमारा भी गला हो गया। ये देखें, ये मैं बोर्ड शेप के लिए कटिंग बताऊंगी आपको। यहाँ से मैंने 4.5 इंच रखा है और 4 इंच हमने इसको गहरा करना है। आप अपने साइज़ के हिसाब से कर सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगे या जितना आपने पहनना है। तो इसका भी सेम उसी गोल गले की तरह ये निशान लगाएंगे। उसके बाद हम इसको, ये देखें, हमारे किचन में बड़ी छोटे साइज़ की प्लेटें ऑन रूटीन में मिल जाती हैं हमें। तो मुंह रखते हुए इसको, ये देखें, यहाँ से यहाँ तक तो। ये हमारा बोर्ड शेप करना, आप इसको तंग करना चाहें तो यूँ कर लें, खुला करना चाहें तो आप इसको पीछे कर लें, गहरा करना चाहें तो इधर कर लें। लेकिन बहुत ही परफेक्ट शेप है, इससे इजी शेप हम बनाने का तरीका नहीं हो सकता। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, हमें बहुत बहुत खुशी होती है और हम नई से नई अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, ये देखें, ये बोर्ड शेप गला है, इसकी शेप कितनी खूबसूरत बनी है। आप छोटे बड़े साइज़ का कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकेंगे। नाज़रीन, अब मैं आपको चकोर गले की कटिंग बताऊंगी। ये गला ज़्यादा हम ऊपर से खुला नहीं रखते, यहाँ से हम रखेंगे 3.25। चेंज आप अपने साइज़ के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं ये उसकी शेप बनाने का तरीका बताऊंगी। यहाँ से और यहाँ से 1 इंच का फर्क रखते हैं, 3.25। तो यहाँ से यहाँ वाली, ये वाली जगह में रखूँगी 2.25। इस तरह से हमारे पूरा 1 इंच का फर्क आएगा। तो हम इस तरह से करेंगे, ऊपर से और नीचे से 1 इंच का फर्क होता है और बहुत ही ज़बरदस्त शेप बनती है इसकी। ठीक है जी, अब इसी तरह हम इसको बाहर वाली जो है इसकी बाउंड्री वो 1.25 इंच रखते हुए इसको कटिंग कर देंगे। तो ये जो मैंने आपको गले सिखाए हैं कटिंग करने में, हमारे आम रूटीन में पहने में यही गले आते हैं, चकोर, गोल, बोर्ड और भी। अब इसके नीचे आप डिज़ाइनिंग पट्टी बनाना चाहें तो इसी के नीचे पट्टी बना सकते हैं, चकोर पर बना सकते हैं, बोर्ड पर बना सकते हैं, रिंग बटन लगा के बना सकते हैं, जिस तरह से भी आपको अच्छा लगे। ये देखें, लेकिन ये हमारे बेस पहनने वाले गले जो यही हैं, जो मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से उनकी कटिंग करने का तरीका बता दिया है।
अगर आपने कुछ और सीखना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको वो सिखाने की। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह हाजिर होगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।